जैन दोस्तों, आज बात करेंगे चार ऐसे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं स्टूडेंट्स में। वो वर्ड्स है हमारे, पहला वर्ड है हमारा LOOSE, लूस। इसको हम लूज नहीं बोलते, लूस बोलते हैं, ध्यान रखना, लूस। इसका सही उच्चारण होता है लूस। अब ये एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है। तो एडजेक्टिव होगा तो इसका हमारा कॉम्परेटिव डिग्री भी होगी, इसकी पॉजिटिव डिग्री भी होगी, इसकी सुपरलेटिव डिग्री भी होगी। तो इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो लूस होती है, कॉम्परेटिव डिग्री होती है लूसर, LOOSER, और सुपरलेटिव डिग्री होती है लूसेस्ट। ध्यान रखना ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ढीला। जब ये वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है ढीला छोड़ना या ढीला करना। अब देखिए, आपने सोचा कि ये वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म भी होगी, थर्ड फॉर्म भी होगी। तो थर्ड सेकंड फॉर्म होती है लूस्ड और थर्ड फॉर्म होती है लूस्ड। क्या होता है? लूस्ड, लूस्ड। ये ध्यान रखना लूज के बारे में। दूसरा वर्ड है हमारा LOOSE, इसको बोलते हैं लूज, इसको बोलते हैं लूज। इसका सही उच्चारण क्या है? लूज। ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है खोना, कोई चीज खो जाती ना तो उसे बोलते हैं हमारी चीज लूज, लूज हो गई। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म होती है हमारी लॉस्ट, ध्यान रखना है। अब LOOSE को क्या बोलते हैं? लॉस। ये हमारा नाउन होता है, इसका मतलब होता है नुकसान, हानि। LOOSE, लॉस का मतलब होता है नुकसान या हानि, ये नाउन होता है। एक और वर्ड होता है LOOSEN, इसे बोलते हैं लूसन। ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। इसका मतलब होता है ढीला करना। तो ध्यान रखना, लूसन की सेकंड फॉर्म होती है लूसंड और थर्ड फॉर्म होती है लूसन। ये हमारी चार इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला वर्ड क्या है हमारा? LOOSE, इसको बोलते हैं लूस। दूसरा वर्ड है LOOSE, लूज। LOOSE को बोलते हैं लॉस और LOOSEN को बोलते हैं लूसन। ये हमने इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हैं, मतलब भी लिख रखा है, तो ध्यान से इनको पढ़ लेना। कभी भी एग्जाम में आ जाए, बोलने में कोई भी आपसे पूछ भी ले तो आपको गलती नहीं करनी है। तो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।